नमस्कार दोस्तों, जीके चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गुप्तेश्वर मंदिर का रहस्य। यह मंदिर मध्य प्रदेश के दतिया जिले से 10 किलोमीटर दूर छोटी बड़ौनी के पर्वतों में स्थित है। गुप्तेश्वर मंदिर में शिवलिंग की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि 15वीं शताब्दी से इस मंदिर में पूजा अर्चना हो रही है। यह मंदिर प्राकृतिक रूप से बना हुआ है। यह मंदिर छोटी बड़ौनी के पहाड़ों के ऊपर स्थित है। इस मंदिर में भगवान शिव की महिमा है। इस मंदिर के निर्माण की कहानी बहुत ही रोचक है। ऐसा माना जाता है कि गुप्तेश्वर मंदिर के स्थान पर सबसे पहले एक बहुत ही छोटी सी गुफा थी। इस गुफा में एक बहुत ही विशाल नाग रहता था जो करीब 17 फुट लंबा था। उस गुफा में नाग के अलावा कोई नहीं पहुंच पाता था। धीरे धीरे समय बीतने पर जब उस गुफा का आकार बड़ा होने लगा, तब लोगों ने उस गुफा के अंदर झांक कर देखा तो वहां पर एक शिवलिंग दिखाई दिया। तब से वहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी और उस मंदिर में पूजा अर्चना होने लगी। शुरुआत में लोग उस मंदिर में लेट कर प्रवेश करते थे और लेट कर ही पूजा करते थे। जैसे जैसे शिवलिंग का आकार बड़ा होता गया, वैसे ही गुफा का आकार भी बड़ा होने लगा। आज उस गुफा का आकार इतना बड़ा हो गया है कि लोग झुककर उस मंदिर में जाते हैं और वहां शिवलिंग की पूजा करते हैं। भगवान शिव की यह महिमा देखने के लिए लोग दूर दूर से इस मंदिर में आते हैं। इस मंदिर में भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। प्राकृतिक रूप से बना यह गुप्तेश्वर मंदिर अपने आप में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ के पहाड़ों पर तपस्वी भी तपस्या किया करते थे और यहाँ पर आज भी कई ऐसी गुफाएं हैं जो बंद हो चुकी हैं और इन पहाड़ों में एक सुरंग भी है जो कि दतिया जिले तक गई हुई है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।